गाइज हम जो है आ चुके हैं पटवाहा। इससे पहले हम आपको दिए थे अपडेट सहरसा बाईपास का, और आगे निकले तो हम आ गए हैं पटवाहा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है एक ब्रिज बन रहा है पटवाहा में। तो यहाँ पे एक साइट इंजीनियर है, इनसे हम बात कर लेते हैं कब तक बन जाएगा ये। अप्रैल मंथ में रेडी हो जाएगी बनकर इसका स्लैब। अच्छा, अप्रैल मंथ में। और ये जो है ब्रिज, इसका मतलब लेंथ चौड़ाई विड्थ में कितना होगा होने वाला है? विड्थ है 16 मीटर और लेंथ है 42 मीटर 200। 42 मीटर 200 लेंथ। तो इसका जो है लेंथ वो है 42 मीटर है, विड्थ जो है 16 मीटर है, और ये जो है 1 मंथ के अंदर जो है बन जाएगा। तो यहाँ पे आपने देख लिए, ये रहा पटवाहा का अपडेट। और आपको हम दिखा देते हैं इस साइड, यहाँ पे अभी नहीं हुआ है पिचिंग, बस यहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो पिचिंग हो चुका है। आप देख सकते हैं दोनों साइड से 4 लेन NH 107। तो हम इससे आगे निकलेंगे और जाएंगे बैजनाथपुर, वहाँ करेंगे अपडेट क्या कुछ अपडेट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम चल चुके हैं बैजनाथपुर की ओर, और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक जो है छोटा सा ब्रिज बन रहा है, जो कि पटवाहा का ये आपको दे रहा है अपडेट। और आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है 4 लेन नहीं बना है, पिचिंग नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ ब्रिज का काम चल रहा था। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं पिचिंग जो है वो स्टार्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं 2 लेयर जो है पिचिंग किया गया है NH 107 4 लेन, जो कि महसकुट मधेपुरा बन रहा है। और अगर हम बात करें सहरसा से मधेपुरा, तो ऑलमोस्ट जो है 4 लेन बन चुका है, पिचिंग भी हो चुका है, कहीं कहीं पे डिवाइडर नहीं दिया गया है, और कहीं कहीं पे जो है ब्रिज बन रहा है, इसके लिए जो है वहाँ पे नहीं हुआ है पिचिंग। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी डिवाइडर नहीं दिया हुआ है, और ये एरिया कहलाता है पटवाहा से आगे का, और आगे जो है वो रघुनाथपुर बस हम पहुँचने वाले ही हैं। तो आप बने रहिए मेरी वीडियोस में, और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे जो है आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों हम जो है आए हैं दरभंगा से आप लोग के लिए देने के लिए अपडेट, तो एक लाइक तो बनती है और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे मेरा हेल्प हो जाएगा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे थोड़ा सा नहीं हुआ है पिचिंग, फिर यहाँ से डबल लेयर पिचिंग शुरू हो चुका है। तो दोस्तों हम आपको बता दें, हम जो है टेक्निकल वीडियोस भी बनाते हैं, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, जिसका नाम है न्यू टेक फॉर यू। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ से जो है डिवाइडर शुरू हो चुका है, और जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं बस हम रघुनाथपुर पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पे जो है पिचिंग नहीं हुआ है 4 लेन NH 107 का, और आगे जो है पड़ता है फ्लाईओवर, जो कि आधा अधूरा अभी बना है, कंप्लीट नहीं हुआ है। जब ये बन जाएगा 4 लेन NH 107, उसके बाद जो है यहाँ पे मिट्टी डाल करके जो है ऊपर से निकाला जाएगा रोड को इस फ्लाईओवर से, आप देख सकते हैं। और ये रहा बैजनाथपुर का सीन, यहाँ पे बहुत सारे घर को दुकान को तोड़ा गया है इस फ्लाईओवर और 4 लेन बनाने के लिए। और ये रहा चौड़ा, यहाँ से जाती है एक रोड सौर बाज़ार, एक जाती है सहरसा, एक जाती है मधेपुरा। और दोस्तों हम जाएंगे मधेपुरा तक, लेकिन ये वीडियोस बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हम इस वीडियोस को यहीं पे इन करते हैं। बैजनाथपुर तक का आपको मिल गया अपडेट इस वीडियोस में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।